कॉल्ड एज फाइलो क्लेड, PHYLLOCLADE, फाइलोक्लेड। नेक्स्ट इज द क्लेडोड, ठीक है, ये हमारे एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो इसलिए ये ले रही हूं, और एक मैं एक्स्ट्रा ले रही हूं एनसीईआरटी से अलावा, दैट इज कॉल्ड एज बुलबिल्स, बुल बिल्स। तो बेटा ये हो गए स्टेम मॉडिफिकेशन जो एरियल मॉडिफिकेशन है। सबसे फर्स्ट मैं लेती हूँ स्टेम टेंड्रिल। नाउ व्हाट आर स्टेम टेंड्रिल्स? तो सिंपली आप लोगों ने देखा होगा, अगर किसी ने देख रखी है बच्चों ने, घिया की, तोरी की बेल होती है बेटा, है ना, कुकुम्बर की। तो जो कुकुरबिटेसी फैमिली होती है उनकी बेल होती है बेटा, यानी क्रीपर होते हैं, दीज आर द क्रीपर्स। क्रीपर उन प्लांट्स को कहा जाता है जिनका स्टेम बहुत डेलिकेट होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि उनके इस तरह से, यहां से इस तरह एक्सिलरी बड से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं जो कॉइल्ड होते हैं, और ये जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर है दे आर कॉल्ड एज क्रीपर्स, सॉरी दे आर कॉल्ड एज टेंड्रिल्स। और उस प्लांट को जिनके पास टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं साथ में द स्टेम इज वीक, उन्हें कहा जाता है क्रीपर। तो मैं टेंड्रिल का क्या लिखूंगी बेटा, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे कि दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर, दीज आर स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर क्लाइंबिंग, यानी स्पेशल स्ट्रक्चर है किसके लिए बेटा, क्लाइंबिंग के लिए। सेकंड पॉइंट, दे आर थिन, वायरी, वायरी मतलब वायर जैसे होते हैं, एंड स्पाइरली कॉइल्ड, स्पाइरली कॉइल्ड, स्पाइरली जो है वो कॉइल्ड है, COILED, कॉइल्ड, यानी कि इस तरह से ये स्पाइरल की तरह ऐसे कॉइल्ड हो जाते हैं। थर्ड थिंग आता है बेटा कि यूजुअली दे दिस टेंड्रिल्स TENDRILS tendrils can be arises from apex, यानी टिप से भी arise हो सकते हैं बेटा, और from axillary position। इसका क्या meaning है बेटा? तो इसके लिए अगर मैं एक stem का structure यहां पे draw करती हूं, तो ये मैंने स्टेम का स्ट्रक्चर ड्रॉ करा, ये सपोज लीफ है, ये भी एक लीफ है और ये टिप है। तो अगर यहां से टेंड्रिल निकल रहे हैं तो मैं कहूंगी इसको एक्सिलरी, ये क्या कहलाएंगे, एक्सिलरी टेंड्रिल। और अगर टिप से टेंड्रिल निकल रहे हैं तो ये कहलाएंगे एपिक्स, एपिक्स टेंड्रिल। तो दैट कैन बी द एपिक्स टेंड्रिल एज वेल एज द एक्सिलरी टेंड्रिल। ओके, नाउ ये तो हो गए, इसका एग्जाम्पल अगर अपन लेते हैं तो एग्जाम्पल इज द कुकुरबिटा, कुकुरबिटा, कुकुरबिटा में कौन आते हैं बेटा, घिया, तोरी, ये सारे जो सब्जियां बिल्कुल टेस्टी नहीं लगती और मम्मियां यही सब्जी बना बना के रख देती हैं, ये बेटा कुकुरबिटा फैमिली के अंदर आते हैं, ठीक है। तो ये इनका एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट मॉडिफिकेशन हो गया एरियल मॉडिफिकेशन। नाउ वी कम ऑन टू द सेकेंड मॉडिफिकेशन, दैट इज थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं बेटा? तो थॉर्न्स जिसे हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कांटे, तो थॉर्न्स जो होते हैं दे आर हार्ड, HARD, हार्ड, वुडी, वुडी का मतलब होता है थिक, जिसको अगर टच करो और दबाओ तो वो दबे नहीं, उनके लिए वर्ड यूज होता है वुडी। शार्प एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर, हार्ड होते हैं, वुडी होते हैं, शार्प होते हैं और पॉइंटेड स्ट्रक्चर होते हैं। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट होता है कि दे हेल्प द प्लांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल,
यानी ये प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं किससे बेटा, ब्राउजिंग एनिमल। ब्राउजिंग एनिमल्स का मतलब होता है वो एनिमल्स जो प्लांट्स के ऊपर फीड करते हैं, यानी उनको उनको खाते हैं। जैसे अगर गोट है, कैमल है या कोई और एनिमल है, अगर वो उन प्लांट्स को खाते हैं तो ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इनके अंदर थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं। फिर आप ये कहोगे कि मैम हमने तो बकरी को भी खाते हुए देखा है, जो बेरी का पेड़ होता है, बड़बेरी जिसको कहते हैं, जिसमें छोटे छोटे बेर आते हैं, आप देखते हो बेटा उसमें बकरी भी खाती है उसके पत्तों को, कीकर जो होता है उसके पत्तों को बकरी भी खा लेती है, कैमल भी खा लेता है। तो बोले मैम फिर उसने ब्राउज तो कर लिया। तो एक चीज आपने कभी नोटिस कराओ, कोई भी कांटे वाले पेड़ पौधे होते हैं उन पे जब भी कोई एनिमल फीड करता है तो केवल पत्तियां पत्तियां खाता है बेटा, कभी भी पूरी टहनी निकाल के नहीं खाता। इसका मतलब पत्तियां खा ली, ठीक है भाई तुम पत्तियां खा लो, पूरे प्लांट को छोड़ दिया। तो इस तरह से पूरे प्लांट को प्रोटेक्शन मिल गया, लीव्स तो क्या है वापस नहीं आ जाएगी। तो इस तरह से प्लांट प्रोटेक्ट कर रहा है यहाँ पे। हमने ये नहीं कहा कि प्लांट अपनी लीव्स को प्रोटेक्ट कर रहा है, थॉर्न से प्लांट अपनी किसको प्रोटेक्ट कर रहा है बेटा, अपने अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है, लीव्स को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा। तो थॉर्न्स हेल्प द प्लांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, ठीक है। अब बेटा एक और वर्ड आता है जिसको कहा जाता है प्रिकल्स। कुछ बच्चों को ये पिकल की तरह सुनाई दिया होगा कि भाई पिकल तो अचार होता है, नहीं बेटा ये है प्रिकल, PRICKELS। प्रिकल्स का मतलब और थॉर्न्स का मतलब दोनों का मतलब हिंदी में तो बोले तो हम लोग काटे ही बोलेंगे, दोनों में तो काटे ही हुए, दोनों का मीनिंग तो हिंदी में तो काटे हुआ, लेकिन बायो में दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। क्या अलग अलग मीनिंग होता है? जैसे अगर आपने कैक्टस पर देखा होगा छोटे छोटे स्पाइंस के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, हम इन्हें थॉर्न्स नहीं कह सकते, हम इन्हें प्रिकल्स कह सकते हैं या स्पाइंस कह सकते हैं। और आपने अगर कीकर के पेड़ पर देखा हो तो कई तो कीकर के ये यहां से तो लीफ निकलते और यहां से इतना बड़ा सारा थॉर्न निकलता है बेटा, सफेद रंग का होता है। जो गांव में बच्चे रहते होंगे और कभी गांव गए होंगे तो वो, और नहीं गए हो तो अपने मम्मी पापा से पूछना मम्मी सूल किसको कहते हैं, तो मम्मी बताएगी सूल बहुत बड़ी सारी होती है, करीब 1 इंच से भी ज्यादा बड़ी हो जाती है बेटा, और अगर घुस जाए ना पैर में तो निकालनी भारी हो जाती है। वैसे तो इतनी जल्दी घुसती नहीं, मेरे घुस गई थी बेटा, अभी तक निशान है, वो मेरे बचपन में घुसी थी जब मैं 4th क्लास में थी और वो निशान अभी तक है जहां पे वो सूल घुसी थी। तो ये प्रिकल्स कांटे और थॉर्न्स, तो ये तो होता है सूल तो होती है थॉर्न्स, और जो छोटे छोटे कांटे होते हैं ना उन्हें स्पाइंस या प्रिकल्स कहते हैं। क्या डिफरेंस है? नीट में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से सुनना। थॉर्न्स जो होते हैं ये डीप सीटेड होते हैं। डीप सीटेड का मतलब जैसे सपोज ये स्टेम का मैं अंदर का सेक्शन लू तो थॉर्न्स की अराइज जो होती है वो अंदर वेस्क्यूलर बंडल से यहां से अराइज होते हैं बेटा, यहां तक, यानी अंदर गहराई तक उसको अटैचमेंट रहता है स्टेम के। और जो प्रिकल, अगर मैं प्रिकल बनाती हूँ तो प्रिकल केवल बाहर बाहर अटैच होते हैं। तो देखा होगा कुछ कांटों को आप तोड़ोगे तो वो इजीली टूट जाते हैं, और कुछ को काटो ना तो उसके साथ में उसकी बाहर की एपिडर्मिस भी निकल के आएगी, तो वो कांटे होते हैं, और जो इजीली टूट जाते हैं वो प्रिकल होते हैं। तो खैर आइदर थॉर्न और प्रिकल दे हेल्प द प्लांट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल। तो ये सेकेंड मॉडिफिकेशन हो गया बेटा एरियल मॉडिफिकेशन का। इसका एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं बोगनवेलिया ऑल्सो। बोगनवेलिया, तो बोगनवेलिया हो गया बेटा। इसके अलावा आप लोगों का ड्योरेंटा, नहीं तो हम सिंपली ले लेते हैं कीकर। इन ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं बेटा? थॉर्न्स के हैं। ओके, नाउ वी कम ऑन टू द नेक्स्ट मॉडिफिकेशन ऑफ द एरियल स्टेम। That is phylloclade। What is phylloclade?
तो फाइलोक्लैडोड क्या है बेटा? फाइलोक्लैडोड स्पेशली पहला पॉइंट है कि इट इज प्रेजेंट इन जीरोफिटिक प्लांट। अब जीरोफिटिक प्लांट्स किन्हें कहते हैं बेटा? जीरोफिटिक प्लांट्स उन प्लांट्स को कहते हैं जो डेजर्ट में मिलते हैं। जो कहां मिलते हैं बेटा? डेजर्ट में, उन्हें जीरोफिटिक कहते हैं। तो बेटा आप लोगों को पता है जीरो जो डेजर्ट में प्लांट्स मिलते हैं उधर ट्रांसपिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए कि द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर होता है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन। तो ट्रांसपिरेशन ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए जीरोफिटिक प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं बेटा, दे मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस। लीव्स किस में मॉडिफाइड हो जाती है बेटा? स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं। और जब ये स्पाइंस में मॉडिफाइड हो जाती हैं तो नेचुरली क्या होगा बेटा? जो स्टेम होगा, तो लीव मॉडिफाइड इनटू स्पाइंस, सो स्टेम बिकम फ्लैटन, स्टेम फ्लैटन हो जाता है एंड ग्रीन इन कलर, ग्रीन कलर का हो जाता है। और जब वो ग्रीन कलर का हो जाता है तो एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं कैक्टस का। आपने देखे हैं इस तरह से कैक्टस का प्लांट होते हैं बेटा, जिन पर छोटे छोटे स्पाइंस लगे हुए रहते हैं। तो ये जो स्पाइंस लगे हुए हैं, ये स्पाइंस आर नथिंग बट दीज आर द मॉडिफाइड लीव्स। तो ये स्पाइंस क्या है बेटा? मॉडिफाइड लीव्स हैं। और ये जो ग्रीन कलर का और फ्लैटन पोर्शन है, ये क्या है बेटा? स्टेम है। तो जब स्टेम ग्रीन कलर का हो जाता है और इस तरह से फ्लैटन हो जाता है तो देन इट इज कॉल्ड एज फाइलोक्लैडोड। तब इसको कहा जाता है बेटा फाइलोक्लैडोड। तो इसके अंदर हमने कहा सो स्टेम बिकम फ्लैटन एंड ग्रीन इन कलर टू डू फोटोसिंथेसिस। कि भाई जिससे ये फोटोसिंथेसिस कर सके। तो इस तरह से ये हो गया बेटा फाइलोक्लैड्स। एग्जांपल अगर अपन लोग लेते हैं तो एग्जांपल आ जाता है कैक्टस। अब बेटा एक और चीज होती है, दैट इज कॉल्ड एज क्लैडोड। फाइलोक्लैडोड एंड क्लैडोड देखा जाए तो दोनों भाई बंद है, एक दूसरे के मौसी के बच्चे हैं। क्या मौसी के बच्चे हैं बेटा? वो सिंपली फाइलोक्लैडोड में स्टेम मॉडिफाई हुआ था बेटा, और क्लैडोड में क्या होता है? स्टेम मॉडिफाइड हो जाता है इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, स्टेम किस में मॉडिफाई हो जाता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। अब सिंपली हम ये कह देते हैं और फिर स्टेम की जो ग्रोथ होती है वो लिमिटेड हो जाती है। द स्टेम ग्रोथ गेट लिमिटेड। जब लिमिटेड हो जाती है बेटा तो उसके लिए हम ये कह देते हैं कि यूजुअली उसके ऊपर देखने से वो हमें ऐसा लगता है जैसे लीफ है, बट एक्चुअली दैट इज अ स्टेम। तो स्टेम ग्रोथ गेट लिमिटेड एंड हैव नोड्स एंड इंटर नोड्स आर प्रेजेंट। एग्जाम्पल अगर मैं इसका एग्जाम्पल आप लोगों को बताती हूं तो एस्पैरेगस। अब एस्पैरेगस का बेटा आप लोगों ने प्लांट देख नहीं रखा होगा, तो दूसरा एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ। एक तो कैक्टस का ओपनशिया वाला प्लांट होता है जिसको हम कहते हैं, एक बेटा आपने अगर सुना हो थॉर। अब कहोगे थॉर तो वो आयरन मैन मार्वल में था जिसके पास वो हैमर होता है, वो थॉर नहीं बेटा। एक हिंदी में थॉर का वर्ड होता है, उसमें वो स्टेम ही मॉडिफाई हो जाता है। इस तरह से लगता है, देखने से ऐसा लगता है जैसे लीफ है और उस पर छोटे छोटे से स्पाइंस आ जाते हैं, उस पर फूल भी खिल जाते हैं। तो एक्चुअली दैट इज कॉल्ड एज द क्लैडोड। नाउ नेक्स्ट वी कम ऑन टू द बुलबिल्स।
बुलबिल्स क्या है बेटा? बुलबिल्स एक्चुअली द मॉडिफिकेशन फॉर यू कैन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या आई शुड बेटर से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. तो बुलबिल्स आर द मॉडिफाइड फॉर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. क्या होता है बेटा इसमें? बुलबिल में द बुलबिल गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. यानी पेरेंट प्लांट से डिटैच हो जाती है और न्यू प्लांट्स के अंदर ग्रो कर जाती है. दैट इज कॉल्ड एज बुलबिल. एग्जाम्पल इसका आता है बेटा अगेव. अगेव ये सिर्फ आपको नाम याद रखना है. मैं आप लोगों को इसका स्क्रीन शेयरिंग करके या तो वैसे आपके पास पिक भेजूंगी कि किस तरह का होता है. वैसे आपके जो अनियन है और गार्लिक है वो भी बुलबिल का एग्जाम्पल है. अगर जो मैंने कल आपको बताया था गार्लिक की जो एक जिसको हम लोग सिंपल कली कहते हैं, उसको अगर आप जमीन में लगा दोगे तो आपको एक नया पेड़ मिल जाएगा. तो दिस गार्लिक इज ऑल्सो एक्ट एज अ बुलबिल. तो ये हो गए बेटा सर्टेन स्टेम मॉडिफिकेशन.